जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने व्यापारी बंधुओं के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि व्यापारियों की समस्या को शत प्रतिशत निस्तारण किया जाए तथा दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन कर अनुपालन आख्या नियत समय से उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। व्यापारियों को नियमानुसार सेवाएं प्रदत्त कराई जाए जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हर विभाग व्यापार बंधु के लिए स्थायी अधिकारी नामित करेंगे जो स्थायी रूप से बैठक में प्रतिभाग करेंगे और समस्या के निराकरण के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें व्यापारी द्वारा बताया गया कि बजरंग मिल चोरैया गोला नशीराबाद से लेकर लालडिग्गी क्षेत्र के बगल से पानी टंकी के बीच कॉलोनी की क्षतिग्रस्त सड़क नाली आदि अभी तक ठीक नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। जिलाधिकारी ने कार्य संतोषजनक ना पाए जाने पर तथा कार्य की प्रगति धीमी होने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए नगर निगम के संबंधित अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के साथ ही उनका एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर होने चाहिए। महानगर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए ताकि जनमानस को आवागमन में असुविधा ना हो सके। महानगर के जर्जर विद्युत तारों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करा दें। नालियों की सफाई तथा सड़कों के मरम्मत का कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाए और मंडी में अवस्थापना सुविधाओं को सुव्यवस्थित की जाए ताकि जन सामान्य को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि महानगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु अपने सामान दुकान के बाहर ना लगाएं तथा सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाएं। किसी भी कार्य की सफलता में जनसहयोग आवश्यक है। शहर को सुंदर, स्वच्छ, सुगम एवं व्यवस्थित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों में जनसहयोग अपेक्षित है। इस अवसर पर नवीन महवा मंडी के सचिव राजित राम वर्मा, टीएसआई मनोज कुमार राय, व्यापारी जवाहरलाल कसौदन, संजय सिंघानिया, रमेश गुप्ता, प्रकाश नारायण पांडे, राजेश छपाड़िया, दिनेश कुमार पाठक, पुरुषोत्तम अग्रवाल, नम्रता श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। फिर अगली बार कोई और आ जाएंगे, वो कोई नया ख्याल लेके आए। जी सर, यही हो रहा है। पहले आपने जवाब भी एक दो दिन पहले आया हो, देवेंद्र कुमार जी जितनी भी रिपोर्ट आज तक भेज दिए वो सब गलत दिए हैं। नाली का पानी वापस, बारिश में काफी पानी भी लगा, 1 करोड़ से ऊपर का सर नुकसान हो गया। यही देवेंद्र सिंह के चलते इन्होंने से बनाई नहीं है नाली सर। अब ये देखे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने हल्ला किया कि हमारा 1 करोड़ का व्यापारी डूब गया, मर रहा है। तब उन्होंने नगर निगम को पत्र लिखा, तब नगर निगम के लोग गए हैं, देखे हैं, तब कह रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर का इसमें निर्माण कार्य होना है।